Hello everyone. Continuing with the topic of programming with C++, today we will see the concept of bubble sort. तो sorting techniques हम पढ़ रहे हैं. पिछले वीडियो में हमने selection sort देखा था और अब हम देखेंगे bubble sort के बारे में. Bubble sort सबसे simple sorting technique में से एक है और इसमें हम क्या करते हैं, we will compare two adjoining values and if they are not in proper order then we will simply exchange them. तो दो एडजॉइनिंग वैल्यूज़ को कंपेयर करना है और दोनों अगर एक पर्टिकुलर पोजीशन में नहीं है तो उनको एक्सचेंज कर देना है. सो एग्जांपल लेते हैं इसका. लेट्स टेक एन एग्जांपल. सपोज द एरे इज लाइक दिस, 12, 23, 6, 20, 3 and 18. अगर हमारे पास एक ऐसा एरे है और उसे हमें बबल सॉर्ट से सॉर्ट करना है तो देखो करना कैसे है. वी हैव टू कंपेयर टू एडजॉइनिंग वैल्यूज. सबसे पहले आपको कंपेयर करना है इन दोनों को. तो अब हम देखो क्योंकि असेंडिंग ऑर्डर में कर रहे हैं तो हमें क्या करना है कि अगर पहले वाला दूसरे से छोटा नहीं है, अगर पहले वाला दूसरे से छोटा नहीं है बड़ा है तो हमें उनको एक्सचेंज करना है. या फिर ये भी कह सकते हो अगर सेकंड वाला पहले से छोटा है तो उन्हें हम एक्सचेंज करेंगे. तो इसमें देखो 12 और 23 प्रॉपर ऑर्डर में, कोई सॉर्टिंग नहीं चाहिए. तो हम क्या करेंगे, अब आगे बढ़ जाएंगे. तो सेकंड टाइम पर हम किसे कंपेयर कर रहे हैं, वी आर कंपेयरिंग 23 and 6. सो लेट अस राइट दिस, दिस इज द सेकेंड कंपेरिजन और ये पहला कंपेरिजन था. अब सेकंड कंपैरिजन में आप देखो 6 23 से छोटा है तो हमें क्या करना है, सिंपली वी हैव टू इंटरचेंज देम. सो आफ्टर इंटरचेंज इट बिकम्स 12 6 23 20 3 and 18. ठीक है, अब कंपैरिजन हमें करना है किसका, इन दोनों का. दिस इज द थर्ड कंपैरिजन. अब देखो इसमें भी 20 इज स्मॉलर देन 23 तो इंटरचेंज करेंगे. सो डू द इंटरचेंज पार्ट. सो आफ्टर इंटरचेंज इट विल बिकम, आफ्टर इंटरचेंज इट विल बिकम, ये बन जाएगा ऐसे 12, 6, 20, 23, 3 and 18. ठीक है, अब एक और कंपैरिजन किस में होगा, इन दोनों में. दिस इज द फोर्थ कंपैरिजन. अगेन छोटा है तो क्या करेंगे, इंटरचेंज कर देंगे इन्हें. सो इंटरचेंज के बाद क्या बन जाएगा, दिस विल बिकम 12, 6, 20, 23, 23 and 18. द लास्ट कंपेरिजन इज बिटवीन दिस टू, दिस इज द फिफ्थ कंपेरिजन. अगेन ये छोटा है 18 तो इंटरचेंज कर दो. सो क्या बन जाएगा अब ये, दिस विल बिकम 12, 6, 23, 18 and 23. तो आप देख सकते हो पहले पास में क्या हुआ, जो सबसे बड़ा एलिमेंट था वो सबसे एंड में आ गया. ठीक है, अब इसी प्रोसेस को आपको रिपीट करना है. यू हैव टू रिपीट दिस इंटायर प्रोसेस अगेन. सो रिपीट इंटायर प्रोसेस बेसिकली हम इस प्रोसेस को कितनी बार चलाते हैं, जब तक हमारा जितने एलिमेंट्स हमारे पास हैं उतने नंबर ऑफ पासेस हम इसमें चलाते हैं. अब दोबारा से कंपेयर करोगे तो क्या देखोगे, 12 और 6 को इंटरचेंज होना चाहिए तो इंटरचेंज कर दो. ये ऐसे इंटरचेंज हो जाएगा, 12 यहाँ पे आ जाएगा. ठीक है, सो इसी तरह करते करते जब आप बिल्कुल एंड में जाओगे तो आपको एक सॉर्टेड एरे मिलेगा. वो मिलेगा 3, 6, 12, 18, 20 and 23. ठीक है, सो दिस विल बी द आउटपुट. अब इसका एक एल्गोरिदम है,
वो एल्गोरिथम देख लेते हैं क्या करना है। आई को एल से यू तक चलाना है, यानी आई को जीरो से लेके अपर बाउंड जितना आपका साइज है वहां तक चलाना है, और जे को कहां से चलाना है, जे को एल से लेके यू माइनस वन माइनस आई तक चलाना है, कि हर बार हम क्या कर रहे हैं एक कम तक चला रहे हैं। ठीक है, सो यू डोंट नीड टू कंसिडर ऑलरेडी सेटल्ड लार्जर एलिमेंट्स, तो इसलिए हमने क्या करा यू माइनस वन माइनस आई, क्योंकि जो लार्ज एलिमेंट है आखिरी वाला उसको कंपेयर करने की जरूरत नहीं। नाउ दिस इज द मेन पार्ट, इफ एरे ऑफ जे इज ग्रेटर देन एरे ऑफ जे प्लस वन, जैसे मैंने यहां पे देखा था, अगर ये एलिमेंट इससे बड़ा है तो इंटरचेंज करना है, अदरवाइज नहीं करना। तो जैसे आप देख रहे हो यहाँ पे 23 और 6, एरे ऑफ जे किसे पॉइंट करेगा 23 को, एरे ऑफ जे प्लस वन किसे पॉइंट करेगा 6 को, तो हम क्या करेंगे इन्हें इंटरचेंज कर देंगे, और ये इंटरचेंज का कोड हमने लिखा हुआ है। तो इस तरह से आप पूरा करते हुए बबल सॉर्ट को कंप्लीट कर सकते हो। इसका प्रोग्राम देख लेते हैं, C++ में कैसे लिखते हैं इसका प्रोग्राम। सो द प्रोग्राम ऑफ बबल सॉर्ट इन C++ गोज लाइक दिस। सो साइज ऑफ द एरे हम ले रहे हैं 4, एरे के एलिमेंट्स जो इंसर्ट कर रहे हैं हम वो कर रहे हैं सिंपल 4 2 3 1। देन क्या कर रहे हैं, आई को 1 से, आई लेस देन साइज आई प्लस प्लस, जे को 0 से, जे को लेस देन साइज माइनस 1 जे प्लस प्लस। बेसिकली जो हमारा कोड है, जो हमारा कोड ऑफ इंटरेस्ट है, दैट इज दिस, ये हमारा मेन कोड है, इसका मेन पार्ट ऑफ द प्रोग्राम है। इसमें हम क्या कर रहे हैं, इसमें हम सिंपल कंपेयर कर रहे हैं दो एलिमेंट्स को। अब देखो एक एक करके करते हैं, 4 और 2, 4 is greater than 2, then interchange it. So after first pass, after first row, array will look like this. 2 4 3 1, ठीक है। देन जे की वैल्यू इंक्रीमेंट होगी, अब जे कैसे पॉइंट करेगा इसे, यानी अब कैसे कंपेरिजन होगा इन दोनों का। अगेन एरे ऑफ जे इज ग्रेटर देन एरे ऑफ जे प्लस वन, तो इंटरचेंज कर दो, तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 2 3 4 और 1। अगेन जे की वैल्यू इंक्रीमेंट हुई, जे किसे पॉइंट करेगा यहां पे, तो किससे का कंपैरिजन होगा इन दोनों का। अगेन दिस इज ग्रेटर देन दिस, सो इंटरचेंज होगा, तो ये बन जाएगा 2 3 1 और 4। सो आफ्टर फर्स्ट इटरेशन जब आई की वैल्यू 1 थी, ये कितना हो गया, इतना बन गया 2 3 1 4। अब आई की वैल्यू दोबारा इंक्रीमेंट हुई, आई इज बेसिकली इज यूज फॉर काउंटरिंग पर्पस, आई को हमने कितना चलाना है जितना हमारा नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, जैसे यहाँ पे कितने थे 4, तो एक हम कम चला रहे हैं क्योंकि हम आखिरी वाले को कंपेयर नहीं करना चाहते। ठीक है, अब देखो दोबारा से एक बार लूप चलेगा इसी एरे, इस वाले एरे के लिए, तो अब इसमें किसका कंपेरिजन होगा, पहले इनका, कोई इंटरचेंज की जरूरत नहीं है। सेकेंड कंपेरिजन विल बी बिटवीन दिस एंड दिस, इंटरचेंज की जरूरत है, तो क्या बन जाएगा ये, अब ये बन जाएगा अब 2 1 3 और 4। ठीक है, अब किसका कंपेरिजन होगा, इन दोनों का, कोई इंटरचेंज की जरूरत नहीं है, सो ऐसे ही रहेगा। अब किसका कंपेरिजन होगा दोबारा से, इन दोनों का, इंटरचेंज की जरूरत है, सो राइट इट लाइक दिस 1 2 3 और 4। और अब आप देख रहे हो कि इसमें बाकी कोई भी इंटरचेंज की जरूरत नहीं है, दिस इज द फाइनल सॉर्टेड एरे, और इस फाइनल सॉर्टेड एरे को हम यहाँ पे प्रिंट करा रहे हैं दोबारा से। ठीक है, सो काफी सिंपल है, इसमें बस आपको इतना लॉजिक याद रखना है कि हर बार कितने एलिमेंट से कंपेरिजन हो रहा है, दो दो एलिमेंट्स को, और एडजॉइनिंग एलिमेंट से कंपेरिजन के लिए हम क्या करेंगे, एरे ऑफ जे को कंपेयर करेंगे एरे ऑफ जे प्लस वन से। मतलब अगर जीरो का है तो जीरो को किससे कंपेयर करोगे, जीरो प्लस वन, वन से। वन को किससे कंपेयर करोगे, टू से, तो यानी एक को कंपेयर करोगे उससे अगले वाले से, तो ये एडजॉइनिंग एलिमेंट्स का कंपेरिजन होता है। सो दिस इज द कंप्लीट प्रोग्राम। अब इस प्रोग्राम को एक बार हम कोड ब्लॉक्स में रन करके देख लेते हैं, एंड दिस इज द एग्जाम्पल। अगर आपके एग्जाम पेपर के अंदर आता है कि एक्सप्लेन बबल सॉर्ट विद एग्जाम्पल, देन यू हैव टू राइट द एल्गोरिदम
एंड कंप्लीट एग्जांपल, और क्वेश्चन के नंबर के हिसाब से आपको उसमें सी प्लस प्लस का कोड भी लिखने को बोल सकते हैं. सो नाउ लेट्स सी द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ बबल सॉर्ट इन कोड ब्लॉक्स. अब हम इम्प्लीमेंटेशन देखेंगे बबल सॉर्ट. कंसेप्ट पूरा हम देख चुके हैं कि बबल सॉर्ट कैसे काम करता है, पूरा ये कोड भी हम एक बार समझ चुके हैं कि ये पूरा कोड कैसे काम कर रहा है. अब इस कोड की हम इम्प्लीमेंटेशन देखेंगे कि सॉर्टिंग होने के बाद आपका जो एलिमेंट है वो कैसे दिखते हैं, बिफोर सॉर्टिंग क्या होता है और आफ्टर सॉर्टिंग क्या होता है. तो जो बबल सॉर्ट का मेन कोड है वो ये वाला पार्ट है, डिस्कशन पहले कर चुके हैं, तो सीधा अब हम इसकी इम्प्लीमेंटेशन पे आएंगे. इसको रन करते हैं एक बार. अगेन वही चीज है, एंटर द साइज ऑफ एरे. सपोज मैंने एंटर द साइज किया 5, मैं 5 एलिमेंट्स लेना चाहता हूँ. एरे के एलिमेंट्स को अब इंसर्ट करना है, तो मैं डालता हूँ रैंडम ऑर्डर में 1, देन 5, देन 2, देन 3, 4. तो देखो मैंने डाले क्या थे, 1, 5, 2, 3, 4, कोई भी ऑर्डर नहीं था, कोई सॉर्टिंग नहीं थी. बट आफ्टर बबल सॉर्ट एरे कैसे प्रिंट हुआ, 1, 2, 3, 4 एंड 5. तो ये सॉर्टिंग है जिसमें एक पर्टिकुलर ऑर्डर के अंदर हमने इसको सॉर्ट किया, और ये असेंडिंग ऑर्डर है, छोटे से बड़े की तरफ. तो जो कोड है वो कोड ये है, इसका मेन कोड जहाँ पे हम दो दो एलिमेंट्स को कंपेयर कर रहे हैं यहाँ पे, और अगर वो ऑर्डर में नहीं तो उनको एक्सचेंज कर रहे हैं. सो दिस इज अबाउट द बबल सॉर्ट. थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो. प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल फॉर मोर सच ट्यूटोरियल्स. थैंक यू.